एयर पोल्यूशन, लास्ट टाइम हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया था और जो मोस्ट रीसेंट लेक्चर है इसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमने देखा था कि इट इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स। द फर्स्ट ऑफ देम वाज एटमॉस्फेयर। ये तमाम वो गैसेस हैं जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा वी टॉक्ड अबाउट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये आउटर लेयर ऑफ क्रस्ट है या जो सॉयल है, जो सरफेस ऑफ अर्थ है, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसके अलावा वी हैव हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर तमाम वाटर रिजर्वॉयर्स वगैरह शामिल हैं, ठीक है, इसमें सीज, ओशंस, पोलर आइस कैप्स वगैरह हैं। और फिर हमने बात की कि इन तीनों से मिल के एक फोर्थ लेयर जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जिसके अंदर लिविंग बींग्स जो हैं वो रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी द एयर पोल्यूशन। इन दिस फिगर यू कैन सी कि एयर पोल्यूशन से क्या मैं मुराद लेना चाह रहा हूँ या एयर पोल्यूशन किस हद तक इसकी स्टडी इम्पॉर्टेंट है। यू कैन सी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं यू टॉक्सिक गैसेस की फॉर्म में, टॉक्सिक यानी ख़तरनाक किस्म की गैसेस, पॉइजनस गैसेस, ये लिबरेट हो रही हैं यहाँ से चिमनीज से। और ये किस एक्सटेंट पे, कितने बड़े लेवल के ऊपर ये पूरा पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं ये आप अंदाज़ा कर सकते हो। और एक कंट्री लेवल के ऊपर आप सोच सकते हो कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट, सो टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और इस तरह की ओवरऑल पूरी दुनिया में दे आर इन मिलियंस, मिलियंस ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हर इंडस्ट्री का बहुत सारा वेस्ट होता है, सो यू कैन इमेजिन कितने बड़े लेवल पे हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट एक्चुअली कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, हाउ डू वी डिफाइन एयर पोल्यूशन एंड व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ। एनवायरनमेंट के जो चार कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे उनमें जो सबसे बेसिक फर्स्ट कंपोनेंट था दैट वाज एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके अलावा देयर वाज अदर कंपोनेंट्स। जो एटमॉस्फेयर है इट इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ गैसेस एंड डेफिनेटली एयर इज अगेन अ गैस। सो हमारी एटमॉस्फेयर में जब कोई ऐसा सब्सटेंस आप डाल देते हो जो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल साबित हो या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल साबित हो, तो उस किस्म के पोल्यूटेंट को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं फिर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ गैस, मसलन आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एक ऐसी चीज़ है कि जो एटमॉस्फेयर के लिए ख़तरनाक है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है। इस गैस से कुछ ऐसे कंपाउंड्स जनरेट होते हैं जो बहुत ख़तरनाक है ह्यूमन बींग्स के लिए स्पेशली, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो जो भी ऐसा कंपोनेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन तीन चीज़ों को अगर अफेक्ट कर रही है ओवरऑल या एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है, उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वो एयर पोल्यूशन के कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हो, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का आपस में लिंक है बेसिकली, क्योंकि जो वाटर पोल्यूशन है वो भी ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करती है। बट वाटर पोल्यूशन जो है वो एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब नहीं करती। हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं उसके अंदर कुछ ऐसी गैसेस हैं जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर का एयर पोल्यूशन के साथ ताल्लुक है। नाउ एयर पोल्यूशन जो है ये बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है। जो इसकी मेजर वजह बनती है, एक तो नेचुरल वजूहात होती हैं, ठीक है, और एक फिर मैन मेड होती हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो कि एयर पोल्यूशन किस तरीके से बेसिकली कॉज होती है। इसके सोर्सेज में कुछ तो नेचुरल सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल ये आप एक माउंटेन देख रहे हो, ठीक है, और इस माउंटेन से इरप्ट हो रहा है, वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है। सो वॉल्केनिक गैसेस जो हैं दीज आर नॉट मैन मेड या इसमें कुछ ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो दिस इज़ बेसिकली अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा जो मैन मेड सोर्सेज हैं उनमें वी हैव, यू कैन सी देयर इज़ एन ऑटोमोबाइल हियर, ये एक ऑटोमोबाइल है और ये इससे जो गैसेस लिबरेट हो रही हैं ये एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, ठीक है।
और कुछ स्टेशनरी सोर्सेज इसने दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आप देखो, ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको एक फिगर दिखाया था, जो उनसे गैसेस लिबरेट हो रही हैं, ये सारी, ये तमाम की तमाम जो हैं, ये जाके यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, ये जो गैसेस डायरेक्टली नेचुरल एक्टिविटी की वजह से या मैन ह्यूमन बींग की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो गैसेस डायरेक्टली एयर को पोल्यूट करती हैं, जो गैसेस बनती हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, वो तमाम गैसेस जो नेचुरल एक्टिविटी से या ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी या इन्वॉल्वमेंट की वजह से डायरेक्टली प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। और फिर जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, वो रिएक्ट करते हैं और चीज़ों के साथ, फॉर एग्जाम्पल वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, या ये आपस में कुछ कंपाउंड्स रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ नए कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनको बोला जाता है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ये डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते, हम जो डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं दे आर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, और फिर उससे कुछ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। एज यू कैन सी हियर, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स में जो सबसे मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एंड इसके अलावा देर आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो दीज आर द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। इसके अलावा इनसे मिलके फिर कुछ और चीज़ें बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन करो तो यू गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वंस यू ऐड वाटर यू गेट सल्फ्यूरिक एसिड। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जो कि सल्फर डाइऑक्साइड से निकले हैं। सिमिलरली HNO3 विच इज़ नाइट्रिक एसिड इज बेसिकली डिराइव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आइदर नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, सो आप इन दोनों को ऑक्सीडाइज करके, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप इनसे नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हो। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपके पास कार्बोनिक एसिड जनरेट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। सो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होती हैं। दिस इज़ अनदर गुड फिगर, ये भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। इस फिगर के अंदर भी अगेन आप यही वाली चीज़ देख रहे हो कि जो हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर की, पर्टिकुलरली हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन, इसमें कुछ तो नेचुरल वजूहात होती हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन सी वॉल्केनोज। ठीक है, ये एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ हुआ है, उसके अलावा लाइटनिंग वगैरह हो रही है जिसकी वजह से एक फॉरेस्ट को आग लग गई है, वाइल्ड फायर जिनको हम बोलते हैं, इसकी वजह से जो धुआं और गैसेस जो प्रोड्यूस होंगी, जो टॉक्सिक गैसेस होंगी, ये आपकी देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा ये एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं। ठीक है, ये एक एरिया से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इसने, इसमें लाइफ स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे यानी जानदार रह रहे हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ से आप देखो कुछ गैसेज जो हाउस होल्ड यूजेज से कुछ गैसेज इरप्ट हो रही हैं। ठीक है, ये जो गैसेज हैं ये भी सारी यहाँ पे जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये सिटीज़ जो है, ये भी इसी कैटेगरी में इसने डाला हुआ है। अब सिटीज़ में मुख्तलिफ किस्म की ये जो घरों से गैसेज निकल रही हैं, वो तमाम भी यहीं पे जा रही हैं। ठीक है, इसमें कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह भी शामिल हैं। इसके अलावा यू कम हियर, ये देखो आप, इसने एक स्टेशनरी नाम से एक कैटेगरी बनाई हुई है। स्टेशनरी के अंदर ये कह रहा है कि जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री होता है ना, ये इनका जो वेस्ट है, वो जो गैसेस की फॉर्म में एयर में जा रहा है, वो भी सारा यहाँ पे शामिल होता जा रहा है। एंड फाइनली देर इज़ अ फोर्थ फॉर्म ऑफ फोर्थ सोर्स ऑफ पोल्यूशन विच इज़ मोबाइल पोल्यूशन। मोबाइल के अंदर वी हैव कार्स, ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स, इनसे जो धुआं निकल रहा है, ये भी सारा का सारा, और फिर यहाँ पे फाइनली एयरप्लेन्स। अब एयरप्लेन बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, तो ये जितनी भी यहाँ पे इसकी गैसेस ये हवा में छोड़ के जाता है, वो रहती तो हवा में ही है ना। सो ये तमाम मिल के ओवरऑल हमारे एटमोसफेयर को पलूट करती हैं। ठीक है, सो इट्स अ गुड फिगर टू ओवरऑल सी के किस किस किस्म की पोल्यूशंस एग्जिस्ट करती हैं एयर पोल्यूशन के अंदर। आज के टॉपिक में चूंकि हम लोगों ने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्राइमरीली हैं कौन से, व्हाट आर दे, व्हाट दे आर? इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इट इज़ 49.1% ऑफ द ओवरऑल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये हम अर्थ की बात कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये जो भी आप दोनों देख रहे हो, पाई चार्ट्स हैं ये दोनों। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये ऑलमोस्ट 49% या 50% कह लो अप्रॉक्सीमेटली, दुनिया में जितनी भी एयर पोल्यूशन है
उसका 50% हिस्सा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से है, ठीक है। रेस्ट सेकंड नंबर पे वी हैव सल्फर ऑक्साइड्स, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिनको NOx बोला जाता है, जिसमें NO और NO2 आते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वी हैव सम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर द लीस्ट इन नंबर, ठीक है, बट दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट और ये और पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो यू नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट है, सेकेंड नंबर पे वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड नंबर पे वी हैव नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड फोर्थ नंबर पे वी हैव वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कंपेरेटिवली कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करता है। ये जो सेकेंड पाई चार्ट ये है, ये आपको ये बता रहा है वेयर डू दे कम फ्रॉम, यानी जो पोल्यूटेंट्स हम बात कर रहे हैं कि एयर के अंदर होते हैं, इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स क्या है, ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू अगर इसको आप गौर से देखो, इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है इस पाई चार्ट का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको देखो इधर ऊपर जब हमने ये वाला फिगर देखा था, इसमें ये जो मोबाइल सोर्स था, मोबाइल सोर्स के अंदर वी सॉ ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, बसेस एंड कार्स, ये जो होते हैं जिसमें एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, ये तमाम के तमाम जो हैं दे कम अंडर ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज होती है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे वी हैव स्टेशनरी सोर्स फ्यूल कंबशन। ऊपर आप आओ देखो, स्टेशनरी किस चीज़ को हमने कहा था, स्टेशनरी हमने कहा था इंडस्ट्री को, प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं और जो फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं, जो उनसे टॉक्सिक गैसेस लिबरेट होती हैं, जो वो हैं दे आर ऑलमोस्ट 27.3%। कंपेरेटिवली ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा सा कम है, बट स्टिल इट इज़ अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ द ओवरऑल पोल्यूशन। थर्ड नंबर पे वी हैव इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है। इन द फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर वी हैव स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल और मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर फिर वॉल्केनोज और जितनी भी चीज़ें रह गई हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। सो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टेशनरी फ्यूल कंजम्पशन, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स, द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। यू मस्ट बी नोइंग दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हम लोगों ने अभी बात की कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर सबसे जो मेजर चीज़ है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो लेट्स टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड अ लिटिल बिट। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर प्रीवियस चैप्टर्स, आई विल रिपीट इट हियर। कार्बन बेसिकली चार बॉन्ड्स बनाता होता है, एज यू हैव सीन प्रीवियसली, एंड ऑक्सीजन मेक्स टू बॉन्ड्स बिकॉज इसके लास्ट शेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो व्हाट हैपेंस इज यू हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन, एंड यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों आपस में दो कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, ये वाली जो दो लाइन्स हैं। इससे ये होता है कि कार्बन के अब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, एंड दो इसने मज़ीद शेयर कर लिए, यानी 6, एंड ऑक्सीजन के अब 8 पूरे हो चुके हुए हैं, ठीक है। बट नाउ देर इज़ अ प्रॉब्लम कि कार्बन के अभी तक पूरे नहीं हुए, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। सो व्हाट हैपन्स देन इज कि ऑक्सीजन अपने ये जो दो ऊपर इसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है ना, ये पूरा एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट फॉर्म की बॉन्ड फॉर्म में कार्बन पे ऊपर ट्रांसफर कर देता है। यानी दिस एरो हेड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ डेफिनेटली कंप्राइज्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऑक्सीजन ने दिए हैं। वैसे कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एलिमेंट ए और एक बी के दरमियान अगर मैं एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हूँ, सो इट इज़ टेक्निकली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ए एंड 1 फ्रॉम बी, बट इस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे दिए हुए होते हैं। सो अगेन देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, दीज 2 बिलोंग टू ऑक्सीजन। मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं यूँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ऑक्सीजन के वैसे ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ऑक्सीजन ने क्या किया कि ये वाले जो दो थे ना, इसने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, ऑक्सीजन भी 8 अपने बीच ने पूरे रखे हुए हैं, और अब ये हुआ है कि कार्बन के भी 8 पूरे हो गए हैं, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 ये वाले जो दो भी हैं, यानी 6 इसने यू शेयरिंग के साथ रखे हुए हैं और 2 इसके यहाँ पर पड़े हुए हैं। सो ओवरऑल अब इसके भी 8 पूरे हो गए।
दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नॉर्मली रिप्रेजेंटेड दिस वे. ठीक है, आप अक्सर इसको देखोगे इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दिस इज कलरलेस गैस, कलरलेस गैस. ठीक है, ऑर्डरलेस गैस. कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती. ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक गैस. टॉक्सिक खतरनाक पॉइजनस गैस होती है ये. इट इज़ लाइटर देन एयर. एयर के जो नॉर्मल एवरेज मास होता है उससे ये 3 गुना हल्की होती है, 3 times लाइटर देन एयर. एंड सॉल्युबिलिटी जो है इसकी, आप अगर वाटर के अंदर डालो कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, इट इज़ सॉल्युबल इन H2O. दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. इन पर्टिकुलर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये है कि जब हम बेसिकली सांस लेते हैं ना, रेस्पायरेशन जब होता है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस, तो क्या होता है कि हम लोग वी टेक इन ऑक्सीजन गैस एंड दिस ऑक्सीजन गैस गोज़ टू आवर लंग्स, और लंग्स से फिर हमारे ये ब्लड तक जाती है. कैसे? और ब्लड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है ऑक्सीजन गैस. ठीक है, ब्लड और ऑक्सीजन जो है, ये दोनों एक समझ लो कि ऑक्सीजन के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हमारे जो ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करना शुरू कर दो, मैं रेड से लिख रहा हूँ, यानी ये नहीं करनी चाहिए, तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंपैरेटिवली, अगर आप ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों इनहेल कर रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है और बहुत ईजीली उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है निस्बतन ऑक्सीजन के. सो वट विल हैपन इज कि आपके ब्लड के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा अगर आप ये दोनों गैसेज इनहेल करना शुरू कर दो. और आपके चूंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की पूरी नहीं होगी, सो अगर आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, थोड़े लंबे टाइम के लिए अगर ये दोनों गैसेज इनहेल करते रहो तो आपकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि आपकी जो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर नहीं पूरी होगी तो अल्टीमेटली आप मर जाओगे. सो इट इज़ सच अ गैस जो ख़तरनाक बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी टॉक्सिक, बट इट्स इससे कोई मसला नहीं होता. वैसे तो होता है ना कि आप इनको, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं आप उनको इनहेल करो ना तो वो इरिटेट करती हैं, चुभती हैं, आपको लगेगा कि जैसे पता नहीं आपने क्या स्मेल कर ली है. लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये एक अजीब सी बात है, इट इज़ नॉन इरिटेटिंग इन नेचर. नॉन इरिटेटिंग यानी अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हो, बिकॉज ये ऑर्डरलेस है. मैंने जैसे ऊपर बात की थी ना, इसकी कोई कलर है और ना इसका कोई टेस्ट है, तो आपको पता नहीं चलेगा आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे होगे, और अल्टीमेटली आपकी इवन डेथ हो जाएगी और आपकी तबीयत ख़राब हो रही होगी. डेफिनेटली तबीयत तो आपकी ख़राब होगी और सफोकेशन आपको स्टार्ट हो जाएगी, आपका सांस रुकना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि हो क्या रहा है. ठीक है, क्योंकि आप कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली इनहेल कर रहे हो. ठीक है, सो नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप हीटर्स के पास जो लोग सो जाते हैं या जो चूल्हा या इस तरह की कोई चीज़ ऑन करके सो जाते हैं, तो कमरे के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोपोर्शन, जो परसेंटेज है, कंपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप इनहेल करना शुरू कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता और डेथ कॉज हो जाती है. ऑलराइट, इसके अलावा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर वी हैव अदर पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स एंड सम हाइड्रोकार्बन्स, जिनके बारे में हम इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे.